हेलो, गुड मॉर्निंग एफ आई बी हेलो कॉम मैम, स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. सो शैल वी स्टार्ट? मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो शैल वी स्टार्ट? यस मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. ओके, सो यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रीजनल वेरिएशंस. ओके, बट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी द मंडे वॉज देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट नेटवर्क इश्यू दैट ओनली फ्यू पॉइंट्स आर डन और फ्यू पॉइंट्स आर कंप्लीटेड. सो वॉट यू से, मे आई स्टार्ट once again or that which are remain from that onwards I will start? What do you say? Reply me fast. Okay, so I'll start once again. Okay, that two points were over: natural resources and disparity in infrastructure. That two points were over na yesterday, am I right? Yes ma'am. Okay, yes, so ma'am. We'll go ahead from the point number 3. Okay, so next point is prosperity. The prosperity of the state is measured in the terms of GSDP, means the value of goods and services produced within the boundary of the state per year, per capita. Okay, what is the meaning of capita? You are commerce students, ma'am. What is the meaning of capita? What is the meaning of capita? Reply me. Reply me. What is the meaning of capita? Mihir, Mustan, Kaivalya, what is the meaning of capita? Bataiye. Will you reply me? What is the meaning of capita? Okay, the prosperity of the state is measured in the terms of GSDP, means the value of goods and services produced within the country or within the boundary of the state per year per capita. Capita means related to economic, related to money. Am I right? Yes, capita means related to economy na, related to money na, yes or no? यस मैम. ओके, सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रॉस्पेरिटी किस तरह से मेजर किए जाते हैं. तो जब हम जनरली प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी में आता है प्रॉपर्टी, कि हमारे पास कितना गाड़ी है, कितना बंगला है, क्या है, कितनी जमीन है, वो प्रॉस्पेरिटी में आता है. लेकिन प्रॉस्पेरिटी मीन्स यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर स्टेट वाइज उसका स्टेट वाइज उसको डिस्क्राइब किया जाए तो स्टेट में जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है, जितना प्रोडक्शन बनाए देते विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट पर ईयर, कि एक साल में फॉर एग्जाम्पल गेहूं का है तो गेहूं पंजाब में एक साल में कितने हुए, पिछले साल कितना हुआ था, इस साल कितना हुआ, तो उसकी वजह से जो उसका इकोनॉमी होता है, जो कैपिटा होता है, उसके हिसाब से उसको प्रॉस्पेरिटी बताते हैं. तो देखिए, आप फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल हर एक जगह की, हर एक जो स्टेट है वो पर्टिकुलर किसी न किसी चीज के लिए फेमस है. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ पे राइस. ओके, तो साउथ में राइस ज्यादा होता है, तो साउथ में पिछले साल कितना राइस का प्रोडक्शन हुआ था, इस साल कितना हुआ, पिछले साल कितना बेचा, इस साल कितना बेचा, तो उसका गुड्स और सर्विसेज कैसा है, तो इसके हिसाब से प्रॉस्पेरिटी चेक किया जाता है. तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम. यस मैम. ओके मैम, आगे देखिए. इन 2014-15 जीएसडीपी ऑफ गोवा वॉज हाई एज 3,04,666, while Bihar it was as low as 30,954. So yahan pe that two states are compared. Okay,
What is in the Goa? That what is the production? It is not given here. But all over production of the Goa, whatever it is grown there. Okay, the data is given of 2014-15. Okay, so that was the number of 3,04,666. And at that time in the Bihar, on the other hand, there was the production of that 30,954. Means which was less? Which is less? You can see here, which is less? Which is less? According to GSDP, which is the less? Goods and services. कहाँ पे less दिखाई देता है आपको? गोवा और बिहार में कहाँ पे less दिखाई देता है? कहाँ पे less दिखाई देता है? बिहार में ज़्यादा less बिहार में. बिहार में less दिखाई देता है. और ये जो goods and services का जो production है, तो देखिए आप कल हम जैसे बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट के बारे में रोड्स रेलवे रोड्स इलेक्ट्रिसिटी तो सब में हाईएस्ट जो स्टेट आता है जो टॉप लेवल का जो स्टेट आता है तो सबसे अच्छा गोवा है. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ इनकम. वरुण यस कुछ पूछना चाहते हैं आप? वरुण वरुण पटेल डू वांट टू आस्क समथिंग? नो मैम. ओके then next point is source of income. The state whose economy is mainly agriculture are poor, while those whose main source of income is from manufacturing are better than off. Okay, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि source of income कि हमारा source of income कैसा है. हम individually बात नहीं करें कि मैं आपका individually आपके पापा का या मम्मा का या आपका जो सोर्स है इनकम का वो नहीं पूछ रहे. पर यहाँ पे क्या बताया गया है स्टेट वाइज सोर्स ऑफ इनकम कितना है कि जो राज्य खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं जहाँ पे खेती बाड़ी बहुत किया जाता है खेती बाड़ी एग्रीकल्चर जहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कैसा होगा? लो होगा. सोर्स ऑफ इनकम कैसा होगा? लो दिखाई देता है. बट जब किसी राज्य में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की बात आती है जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करता है जैसे गोवा में ओके तो वहां पे इनकम ऑफ सोर्स कैसा होगा? इनकम ऑफ सोर्स कैसा होगा? हाई होगा. हाई होगा. ओके ओके व्हाई. हां द नेक्स्ट पॉइंट इज इन सर्विस सेक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ पर्टिकुलरली थ्रू द एक्सपोर्ट्स. ओके जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं सर्विस देना है गुड्स गुड्स प्रोडक्शन हो गया लेकिन उसका सर्विस सेक्टर में उसका सेलिंग भी होना चाहिए तो जो इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है ये जो आईटी जो वर्ल्ड है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या करते हैं सर्विस सेक्टर को क्या करती है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह बढ़ाती है. फॉर एग्जांपल ओके अगर किसी व्यापारी के पास माल पड़ा हुआ है उसको बेचना है तो उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मीन्स उसका मोबाइल या उसका इंटरनेट या उसकी जो पहचान है ओके इंफॉर्मेशन उसको जो निकालना है उसको माल अपना बेचना है तो दूसरे व्यक्ति से या दूसरे व्यापारी से उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए. एम आई राइट? उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए. एम आई राइट? यस मैम. ओके उसके हिसाब से अभी मार्केट में क्या चल रहा है अभी मार्केट में कौन सी चीजों का डिमांड है तो वो इंफॉर्मेशन निकालेगा वो निकालने के बाद वही गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कि जो मार्केट में डिमांड है. सो डू यू अंडरस्टैंड एक्सपर्ट के थ्रू? यस मैम. यस मैम. हाँ तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देता है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल जैसे पास की बात करें तो पहले जैसे पत्र व्यवहार होता था वगैरह होता था मोबाइल फोन या वगैरह ऐसा कुछ नहीं था तो तब क्या था कि मार्केट छोटा था लोगों की डिमांड कम थी. अभी मार्केट कैसा है? बड़ा है. पॉपुलेशन कैसा है? ज्यादा है. तो डिमांड कैसी होगी? डिमांड कैसी होगी? ज्यादा होगी. ज्यादा होगी. तो अभी व्हेन वी कंपेयर पास्ट एंड प्रेजेंट दैट प्रेजेंट इज मच हायर. एम आई राइट? Present is much higher, am I right? Okay. Yes. Okay. Yes. So यहाँ पे देखिए आप कि जब भी हम for example दिवाली या कोई festival आता है या और generally हम कपड़े खरीदते ही रहते हैं जूते खरीदते ही रहते हैं जो daily use की जो चीजें होती है वो खरीदते ही रहते हैं. Okay. तो इसकी वजह से क्या होता है कि अभी जैसा market होगा उसका production बढ़ेगा
फॉर एग्जाम्पल अभी का जो मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल दे दूँ तो अभी का जो डिमांड है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो COVID-19 की वजह से अभी डिमांड बढ़ रहा है, तो वहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, ओके इलेक्ट्रॉनिक चीजें, तो फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, लैपटॉप है, तो उसका डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एम आई राइट और नॉट? यस मैम, बढ़ रहा है डिमांड. यस मैम, डिमांड बढ़ रहा है. तो ये इन्फॉर्मेशन हुआ, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, एक्सपर्ट्स के साथ कलेक्ट करने के बाद, एक्सपर्ट के साथ बात करने के बाद, वही गुड्स और सर्विसेज मार्केट में क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा. वही सर्विसेज और मार्केट में क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले फोन आए थे नोकिया, ओके वो हमारी इंडियन कंपनी थी, लेकिन अभी नोकिया चलता है क्या? नोकिया चलता है नहीं. अभी जो लेटेस्ट प्रोडक्शन है, अभी जो लेटेस्ट गुड्स एंड सर्विसेज है, क्योंकि जैसा टाइम चेंज होता है वैसा प्रोडक्शन भी चेंज होता है, वैसा मार्केट चेंज होता है, तो वैसे डिमांड भी चेंज होती है, तो उसके हिसाब से मार्केट और प्रोडक्शन उसमें तालमेल होना चाहिए, उसमें तालमेल होना चाहिए. एम आई राइट? आगे देखिए, द टूरिज्म इज अनदर एरिया ऑफ सर्विसेज, सॉरी सर्विस सेक्टर. तो जो अभी हमने गुड्स और सर्विसेज की बात की, मार्केट की बात की, लेकिन अब हम टूरिज्म की बात करें. टूरिज्म मतलब जो पिकनिक वगैरह हम जाते हैं, पिकनिक के लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस होता है, तो उसके उसको हम बोलते हैं वो सर्विस सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ओके तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने केसरी नाम सुना होगा, केसरी केसरी नाम सुना है. ओके वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है, आप मुझे बताएंगे? आपने नाम लोगों को अलग अलग जगह पे ले जाना और उधर की जो इन्फॉर्मेशन है वो बताना. ओके गाइडेंस देना, गाइडेंस देना, उनको अरेंज करना होटल से, होटल्स अरेंज करना, उनका खाना पीना अरेंज करना, तो ये सब कुछ किस में आता है, टूरिज्म में आता है. और टूरिज्म ये किससे जुड़ा है, अभी वो सर्विस दे रहे हैं, अगर आपके पैसे ले रहे हैं तो उतना सर्विस भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि अगर आपको अच्छा होटल में रखना है, आपको अच्छा खाना देना है, चाय पानी नाश्ता देना है, या सब कुछ वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटी, तो उसका पैसा भी आप दे रहे हैं, पे कर रहे हैं. ओके तो टूरिज्म भी एक सर्विस सेक्टर का ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. ओके तो तेलंगाना इकोनॉमी इज मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड. ओके तो जैसे अभी हमने बोला कि एग्रीकल्चर का जो जो रिलेटेड स्टेट है वहाँ पे इनकम सोर्स कैसा होगा, कम होगा. तो तेलंगाना जो साउथ में आया हुआ है वो पर्टिकुलरली टिपिकली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कैसा दिखाई देता है हमको, कैसे दिखाई देगा तेलंगाना सोर्स ऑफ इनकम, कैसे दिखाई देगा सोर्स ऑफ इनकम, कैसे दिखाई देगा हमें तेलंगाना में? लो दिखाई देगा, लो दिखाई देगा अभी. हाँ तो मैं एक ही बच्चे को नहीं पढ़ रही हूँ, जो दिल से मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को पढ़ा रही हूँ, तो सबका आंसर आना जरूरी है. आप आंसर नहीं दोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे. ओके आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड जम्मू एंड कश्मीर, गोवा एंड राजस्थान हेल्प बाय द टूरिज्म. जैसे अभी बोला था कि जम्मू कश्मीर में लोग क्यों घूमने जाते हैं, कश्मीर के वादियों में क्यों घूमने जाते हैं, वहाँ का नेचर अच्छा है, वहाँ का एटमोसफियर अच्छा है. एटमोसफियर मीन्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, नॉट दैट जनरल जैसे आतंकवाद वगैरह होता है उसके हिसाब से मैं बात नहीं कर रही, लेकिन जो नेचुरली वहाँ पे हमको दिखाई देता है नेचर, वो यहाँ पे दिखाई देता है क्या? राजस्थान में मैंने जैसे आपको कल भी बताया कि राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, कि जो राजा महाराजा की जो पुरानी हवेलियाँ हैं उसके हिसाब से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, उनका हम बोलते हैं जो लिविंग लाइफस्टाइल है वो भी थोड़ा सा वहाँ से जुड़ा हुआ है, कि जो जो बड़े बड़े राजा हैं वो राजस्थान में हमको दिखाई देता है, पास में और प्रेजेंट में भी. तो ये एक टूरिज्म का वो प्लेस बन चुका है. तो एग्रीकल्चर से जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो एग्रीकल्चर और राजस्थान का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है. तो इस तरह से किसी एक स्टेट में हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं, किसी एक स्टेट में हमको कम दिखाई देते हैं. देन केरला पॉपुलरली कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री इज यूनिक केस. ओके तो केरला में सबसे ज़्यादा टूरिज्म भी दिखाई देता है, तो किसकी वजह से? पॉपुलरली कॉल्ड गॉड्स ओन कंट्री, क्यों ऐसा बताया? केरला में हमको क्या दिखाई देता है? केरला का सिर्फ पिक्चर देखा है आपने कभी, इमेज देखा है कभी?
सुना है केरला के बारे हाँ में? मैम उधर यस मैम टूरिज्म के यस मैम लिए उधर पुराने मंदिर है, पुराने मंदिर है, फिर वहाँ पे नारियल के पेड़ बहुत है, ग्रीनरी ज्यादा है, बीचेस हाँ है, मैडम उधर का बैक हाउस बोट है, हाउस बोट है, तो इसकी वजह से वो फेमस है। हाँ किसी जैसे नेचुरली किसी हम बोलते हैं कि भगवान ने किसी को भगवान बैक वाटर, बैक वाटर के वजह से भी है वो। हाँ बैक वाटर, तो जिसका मैं से फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि भगवान का किसी बच्चे पर अच्छा मीन्स हाथ रहता है मीन्स उसका ज्यादा ध्यान रहता है, वैसे केरला इन द अदर सेंस केरला इज मोर प्रॉस्परस। ओके तो इसकी वजह से वहाँ पे टूरिज्म भी ज्यादा दिखाई देता है, टूरिज्म भी हमको कैसे दिखाई देता है, ज्यादा दिखाई देते हैं। फिर आप जो फॉर एग्जाम्पल जो केला वेफर्स येलो वाली खाते कि नहीं खाते, बनाना वेफर्स? हाँ मैम, हाँ तो हाँ वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ का प्रोडक्शन है? केरला का है, केरला का है। ओके सो देर आर सम थिंग्स और देर आर सम थिंग्स विच आर यूनिक इन केरला एंड फॉर दैट केरला इज वेरी यूनिक कॉल्ड लाइक गॉड्स ओन कंट्री। So do you understand this point properly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. अभी देखिए यहाँ पे आगे वही point है। It derives nearly third of income from money received from Keralites who are employed abroad. एक तो दूसरा एक point उसमें ऐसा है कि केरला में जो लोग होते हैं उनका कोई ना कोई रिश्तेदार अब्रॉड में है तो वो काम कर रहे हैं तो वहाँ से इनकम सोर्स ज्यादा आता है। अंडरस्टैंड इनकम सोर्स उनका ज्यादा बढ़ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस यस मैम यस मैम। ओके अदर सोर्सेस ऑफ इनकम सच एज नेचुरल रबर स्पाइसेस कोकोनट जैसे मैंने अभी बताया हैव हेल्प इन द रिलेटिव प्रॉस्पेरिटी ऑफ केरला टूरिज्म। तो केरला में हमको ज्यादातर जो ग्रीनरी एरिया दिखा देता है उससे हमें लकड़े में से क्या मिलता है, रबर मिलता है, स्पाइसेस में मसाला वगैरह जो हम खाने में डालते हैं वो भी मिलता है और कोकोनट का जो ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन हमको दिखाई देता है जिसकी वजह से केरला एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? यस मैम यस मैम यस मैम। ओके द नेक्स्ट पॉइंट इज अनएम्प्लॉयमेंट। According to the report of Ministry of Labour and Employment for 2015-16, Tripura has the highest unemployment rate 197 per thousand. Okay, unemployment उसको क्या बोलते हैं हम? Unemployment means उसको क्या बोलते हैं? उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? Unemployment. लोगों को है ना काम नहीं है। हाँ पर उसका पर्टिकुलर वर्ड क्या होता है मराठी में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बेरोजगारी। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनिए क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन हिंदी? क्या बोलते हैं उसको? उसको भी बेरोजगारी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरोजगार। बेरोजगार। फिर से वहां पे सर्च करेंगे। ओके तो यहाँ पे देखिए जब हम अनएम्प्लॉयमेंट ये लोगों के पास जब काम नहीं होता है तो उसका रिपोर्ट भी कौन करता है? मिनिस्ट्री करता है कि लेबर वर्क कितना है, एम्प्लॉयड कितना है, तो उसके हिसाब से हर पर स्टेट एंड पर ईयर उसका डाटा निकाला जाता है। तो जब यहाँ पे दिया गया है कि 2015-16 में त्रिपुरा करके एक स्टेट है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा था कि बेरोजगारी का जो हम बोलते हैं प्रोपोर्शन उसका जो नंबर है वो सबसे ज्यादा कि अगर 1000 पीपल है तो उससे जब उसका परसेंटेज निकाला गया तो 197 ये लोग बेरोजगार थे, उनके पास काम नहीं था। सिक्किम इज एट द सेकेंड रैंक। ओके 181 उसके बाद आता है सिक्किम आता है। केरला एज द थर्ड रैंक मीन्स केरला थर्ड रैंक में आता है।
in contrast to these states. Okay, Gujarat has 9 employed person per 1000. तो जब एक देश में या सॉरी एक स्टेट में ज्यादा होता है कम होता है तो दूसरे स्टेट में कैसा होता है, ज्यादा होता है. तो गुजरात में उस टाइम में 1000 जब 1000 पीपल की बात करते हैं उसमें से सिर्फ 9% लोग अनएम्प्लॉयड थे. ओके, एंड कर्नाटका हैज 15 एंड छत्तीसगढ़ हैज 19 एंड महाराष्ट्र 21% विथ लो अनएम्प्लॉयमेंट. तो यह आपको एक पॉइंट समझ में आया होगा कि जब पर स्टेट पर ईयर मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो ये डाटा निकालती है तो उस टाइम हर एक साल का होता है. उस टाइम कितना था, अभी कितना है, उस टाइम कितना था, अभी कितना है, किस कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा था, कौन से राज्य में कब से सबसे कम था. तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? यस मैम. ओके, ओके, अभी ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द लेवल ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी द लेवल ऑफ पॉवर्टी. गोवा इज द मोस्ट वेल प्लेस, इट हैज ओनली 5% पॉपुलेशन हु आर वेरी पुअर एंड वाइल नेशनल एवरेज स्टैंड्स एट 21.92%. तो जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा बोला जाता है भारत हमारा गरीब देश है, लेकिन गरीब देश नहीं है क्योंकि उसका जो हम बोलते हैं जैसे कल हमने बात किया था कोटा सिस्टम, फिर ईवीएस में मैंने आपको बताया था कि कोटा सिस्टम होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, फिर उसका टैक्सेशन होता है. तो जो न बने की वजह से जो पैसे की हमको पैसे हमें कम दिखाई देते हैं तो उसकी वजह से उसको कंसिडर क्या किया जाता है, भारत गरीब देश है. लेकिन जब हम स्टेट वाइज उसकी बात करते हैं तो गोवा बहुत ही अच्छा प्लेस है, वहाँ पे हाई टॉप लेवल में प्लेस में गोवा आता है क्योंकि वहाँ पे जो 5% पॉपुलेशन है वही गरीब है. और जब हम नेशनल एवरेज में सभी राज्यों की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे 21.92% हमको दिखाई देता है. अभी स्टेट वाइज निकाला जाए क्या, स्टेट वाइज निकाला जाए पॉवर्टी लाइन का जो रेशियो तो वो सबसे जो कम होगा वो टॉप पे आएगा, जैसे गोवा है. ओके, बाद में आता है, अभी आप देखेंगे द अदर टू स्टेट्स विच आर इन द गुड पोजिशन, केरला एंड हिमाचल, हिमाचल प्रदेश. तो केरला और हिमाचल प्रदेश में भी पॉवर्टी लाइन हमको कम दिखाई देता है. ऑन द अदर हैंड द छत्तीसगढ़ हैड एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी. तो छत्तीसगढ़ में हमको जो पॉवर्टी लाइन है वो एक्सट्रीमली हाई दिखाई देते हैं, उसका प्रपोर्शन ज़्यादा है. सो इट द अदर रीजन्स विद लार्ज पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन आर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड झारखंड एंड मणिपुर. तो जैसे सेवन यूनियन टेरिटरीज की हम जब बात करते हैं तो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं जिसमें पॉवर्टी ज़्यादा है तो वो स्टेट का नाम है दादरा, नगर हवेली, झारखंड एंड मणिपुर. यहाँ पे पॉइंट दिया गया है. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन ग्रोथ. द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट. तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका जन्म पत्र, ओके, बर्थ सर्टिफिकेट हम बोलते हैं ना, बर्थ सर्टिफिकेट, वो होना जरूरी है. एम आर आई हम सबका भी है, बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है. तो पॉपुलेशन किस पे डिपेंड रहता है? तो बर्थ रेट पे डिपेंड रहता है और डेथ रेट पे भी डिपेंड रहता है. द बर्थ रेट ऑफ BIMARU, ओके, स्टेट इज वेरी हाई. तो बर्थ ऑफ इंडिकेशन और जो बर्थ रेट है तो किस यहाँ पे जो पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है उसका मीनिंग होता है कि बर्थ रेट जिसमें हाई होता है ऐसे स्टेट में वो स्टेट हमको हाई दिखाई देते हैं. ऑन द अदर हैंड बर्थ रेट ऑफ फाइव साउदर्न स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इज क्वाइट लो. तो ये जो बर्थ रेट है
तो ये जो स्टेट दिए गए हैं कि केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो इसमें हमको बर्थ रेट कम दिखाई देता है बिकॉज द बर्थ रेट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट एम्प्लॉयमेंट, बर्थ रेट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट लिटरेसी, लिटरेसी रेट, लिटरेसी लाइन उससे जुड़ा हुआ है. फर्दर द डेट रेट ऑफ बी आई एम ए आर यू स्टेट इज हाई वाइल दैट ऑफ साउदर्न स्टेट इज लो. तो जहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है तो उसका कंपेरिजन साउदर्न स्टेट के साथ करें तो हमको साउदर्न जो स्टेट है यहाँ पे नाम दिए गए हैं तो उसमें हमको बर्थ रेट कैसे दिखाई देता है, कम दिखाई देता है. बर्थ रेट कैसे दिखाई देता है, बर्थ रेट कम दिखाई देता है क्योंकि बर्थ रेट क्यों, जैसा आप फॉर एग्जांपल जितना हम ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो हमारा जो सोचने का तरीका होता है वो भी दूसरों से कैसे होता है, दूसरों से कैसा होता है, अलग होता है. फॉर एग्जांपल अलग होता है. फॉर एग्जांपल जब हम लेबर की बात करते हैं, किसी मजदूर की बात करें, उसकी सोच और हमारी सोच हम कंपेरिजन करें तो बच्चे ज्यादा कहाँ दिखाई देंगे आपको, कहाँ पे ज्यादा दिखाई देंगे, मजदूर के घर. मीन्स क्या मतलब होता है कि जितना आप पढ़े लिखे हैं, जितना आपको, जितना आपको एजुकेशन मिला है, आप जितना सोशली जो आप टच में रहते हैं तो हमारे जो सोचने का तरीका होता है वो भी थोड़ा सा चेंज होता है, जो पर्सनालिटी होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है. तो पर्टिकुलरली ये जो बर्थ रेट और बर्थ डेट ऑफ बर्थ रेट होता है वो वीमेन पे डिपेंड होता है, वीमेन पे डिपेंड होता है क्योंकि जितनी औरतें पढ़ी लिखी होंगी वो अच्छी तरह से समाज को, अपने घर को संभाल पाएंगी. तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, डू यू अंडरस्टैंड और ओके आपने जैसा, आप जब छोटे होंगे तो आपने जो एक एडवर्टाइजमेंट आती थी जैसे फैमिली प्लानिंग की, एम आई राइट, आपने देखी भी होगी टीवी पे, आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखी. हम दो हमारे दो ओके. तो ये जो होता है, ये जो पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन बढ़ाना है या पॉपुलेशन कम करना है, कैसा करना है, तो ज्यादा से ज्यादा आपके मिस ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे होने चाहिए, दो से ज्यादा नहीं ओके. लेकिन आजकल हमको समाज में कैसे दिखाई दे, किसी मिस पर्टिकुलरली जैसे हम देखते हैं तो जैसे समाज बढ़ता है, जैसे लड़कियां पढ़ती रहती है तो अभी तो सिर्फ एक ही बच्चा चाहिए ओके. सो थोड़ा सा सोच बदल रहा है, तो पॉपुलेशन भी कैसा होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए. जैसे आपकी सोच होगी वैसा आपका बिहेवियर होगा, वैसा आपका स्टेटस होगा, वैसे आप घर को हैंडल कर पाएंगे और वैसे आप समाज को हैंडल कर पाएंगे, पर्टिकुलरली वीमेन. तो डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड. अभी मैं आपको पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं ओके, माइनॉरिटीज में कुछ कास्ट में बर्थ रेट ज्यादा रहता है, बर्थ रेट ज्यादा रहता है क्यों, क्या काम है सिर्फ हाँ बच्चे पैदा करना. पर एक बच्चा हो तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी फैमिली होती है कि एक बच्चा या दो बच्चे हो तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हों तो उसको हैंडल करना कैसे हो जाता है, हैंडल करना कैसे हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता, कठिन हो जाता है या डिफिकल्ट हो जाता है ओके. तो हर एक मुश्किल हो जाते हैं. तो वहाँ पे बच्चों को सिर्फ पैदा करना नहीं होता है, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे से पढ़ाना, अच्छा नागरिक बनाना हर एक पेरेंट्स का और गार्डियन का ड्यूटी रहता है. तो जितना बच्चा कम होगा, मीन्स फॉर एग्जाम्पल दो ही बच्चे होंगे या एक बच्चा होगा, तो जितना आप ज्यादा ध्यान दे पाएंगे उतना आप उनसे जुड़ पाएंगे. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स में बच्चे ज्यादा रहते हैं तो वहाँ पे सभी बच्चों को हम क्या बोलते हैं, इक्वल इक्वल फ्रीडम या इक्वल स्टेटस नहीं दे सकते, स्टेटस नहीं दे सकते. मीन्स फॉर एग्जांपल एक लड़का और एक लड़की, सॉरी दो लड़का और दो लड़की है, तो घर वालों का कभी सोचने का जो तरीका होता है, लड़के को पढ़ाते हैं लड़कियों को नहीं पढ़ाते, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, लड़कियां कैसे हो जाती है, लड़के कैसे, अगर लड़कियां पढ़ने भी अच्छे फिर भी लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है तो फिर डाउन कैसे होगा, समाज ऐसे ही डाउन होता है ना, सोसाइटी कैसे डाउन होता है. दोनों पढ़े लिखे हो कि फॉर एग्जाम्पल मेल और फीमेल दोनों पढ़े लिखे हो तो आपका, आप अपनी तरह अपना लाइफ अच्छी तरह से जी सकते हैं,
लेकिन उसमें से एक कम पड़ा हो तो फिर क्या होगा, बैलेंस होगा कि इम्बैलेंस होगा? बैलेंस होगा कि इम्बैलेंस होगा? इम्बैलेंस होगा. हाँ पता चल गया मुझे, इम्बैलेंस होगा. ओके तो नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इन सम स्टेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज वेरी हाई, व्हाइल इन द अदर स्टेट पीपल डाई एट यंगर एज. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स जो जीवन जीने का तरीका है, जो जीवन जीने का तरीका है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो अभी का जो रिसेंट एग्जाम्पल है तो सुशांत सिंह, आपने नाम, आपका जो फेवरेट एक्टर भी होगा शायद सुशांत सिंह, एम आई राइट? नहीं. और अभी आपको वो उसका जो पूरा बैकग्राउंड समझ में आया इसकी वजह से आपका फेवरेट नहीं होगा. लेकिन मोस्ट प्रोबली यंग जो यंगस्टर होते हैं उनके जो आइडियल होते हैं वो ज़्यादातर बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं. ओके तो कुछ स्टेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना हाई है और कुछ स्टेट में जो लोग होते हैं वो कम उम्र में मर जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतना नहीं है. उसका संबंध कहाँ पे आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो रिलेशन होता है वो कहाँ पे आता है, कहाँ से आता है? ये पॉइंट समझ में है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉइंट समझ में आएगा आपको, वो किससे रिलेटेड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी? नो मैम, नहीं समझ में आया. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिलेटेड टू लाइफ, दैट लिविंग ऑफ लाइफ, आप कैसे जीवन जी रहे हैं. ओके फॉर एग्जांपल मुंबई का लाइफस्टाइल, ओके और हमारा जो हम दापोली का लाइफस्टाइल है तो उसमें थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है, चेंजेस दिखाई देता है मुंबई का लाइफस्टाइल और हमारा दापोली का लाइफस्टाइल, हमको चेंजेस दिखाई देता है, यस और नो? दिखाई देते हैं. ओके हमारा दापोली कैसा है, छोटा गांव है. ओके अगर वहाँ पे कुछ भी हो गया तो सभी को पता चलता है कि हाँ बाबा कुछ हुआ है, कोई मर गया है, कि क्या कुछ कंफ्लिक्ट हुआ है या कुछ प्रॉब्लम है, तो सभी को पता चलता है. तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ओके फॉर एग्जांपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि दोज हु आर रिच पर्सन, रिच पीपल, ओके रिच हाई प्रोफाइल, ओके they are going to live that very rich lifestyle, they are going to live very rich lifestyle. Okay for example ki jo paise wale log hote hain unka jo lifestyle hota hai to wo kaisa hota hai, high profile wala hota hai. Okay high profile wala hota hai. For example jaise Nita Ambani Mukesh Ambani, do you understand? उनका मैं एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे हम आर्टिकल या ब्लॉग्स पढ़ते हैं तो नीता अंबानी, ओके तो उनका जो एक्सपेक्टेंसी है, उनका जो खर्चा है वो कैसा होगा, हाई होगा. ओके उसने अपने बेटी के शादी में या बेटी की शादी में जो कार्ड छपवाए थे वो 1.5 लाख या 2 लाख के थे, आई थिंक सो. अभी मुझे अभी पूरा नंबर नहीं पता है लेकिन 1.5-2 लाख का एक कार्ड था. अभी व्हेन वी कंपेयर द रिच पर्सन टू द मिडिल क्लास पर्सन, तो हमारे यहाँ पे 1.5 या 2 लाख कितना हो जाएगा, हमारे लिए कितना होगा, ज्यादा होगा ना? 1.5-2 लाख हमारे लिए कैसा होगा, ज्यादा होगा. ओके व्हेन वी कंपेयर द रिच पीपल टू द पुअर फार्मर्स, ओके उनके लिए तो 1.5 लाख में बहुत सारी रकम हो गई, उनके लिए तो 1.5 लाख में पूरा साल का या जो पूरा उन्होंने मेहनत किया साल भर उसका वो इनकम हो जाएगा. तो कभी कभी आपको हमको दिखाई देता है कि जो पुअर फार्मर्स होते हैं, जो किसान भाई लोग होते हैं, तो अनाज पे जितना वो जो बीज के लिए जितना पैसा खर्चा करते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो कभी चुका नहीं पाते हैं. तो वहाँ पे हमको क्या दिखाई देते हैं, वो आत्महत्या करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि कर्जा नहीं चुका पाते, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हाँ माल नहीं, प्रोडक्शन नहीं है तो माल बेच नहीं पाते, जो वो ये कुछ जो चीजें इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए, हाँ तो वो भी उनके उनके पास लाने के लिए उनके पास उतना भी पैसा नहीं होता है, ओके.
फॉर एग्जाम्पल अभी का जो एक रिसेंट एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश ये जो स्टेट है, तो आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, तो छोटे से गांव में अभी जो COVID-19 का आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल देती हूँ कि COVID-19 में जो एक छोटा सा आंध्र प्रदेश में गाँव था, तो वहाँ पे एक किसान जो किसान था तो उसके पास ना ही बैल थे, बैल भी नहीं थे, तो बैल होता है तो उससे काम चल जाते थे, उसने बैल बेच दिए क्योंकि उसका घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो उसको सिर्फ दो बेटी थी, तो दो बेटियों ने वो दो बेटी जैसे बैल खींचता है ना, बैल बैल से खींचा जाता है ना, फार्म किया जाता है, फार्मिंग किया जाता है, ओके, तो वैसा वैसा दो बेटी था, तो ये जो सोनू सूद, आपने एक्टर का नाम सुना होगा सोनू सूद, ओके, तो उन्होंने क्या किया, अभी ये COVID-19 में जो जो लेबर वर्क थे, लेबर्स थे, उनको घर तक पहुंचाने का काम किया उसने, उस व्यक्ति ने जो सोनू सूद ये जो हमारे एक्टर है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो एक ट्रैक्टर खरीदा वहां से और उस किसान को उसको पहुंचा दिया, उसके गांव में पहुंचा दिया, और उसने ये भी बोला कि अगर आपको ये ट्रैक्टर दिया जाएगा हाँ, तो सिर्फ आप अकेले इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूरा गांव वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल बारी बारी करेगा। तो ऐसा होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन सम स्टेट, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज वेरी हाई, एंड इन सम स्टेट द पीपल्स डाई एट द वेरी यंगर एज। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली? यस मैम। अभी ये ठीक से समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस। ओके। अगर आज फिर से देखिए 1-10 पॉइंट आप फिर से देखिए, रीजन वेरिएशंस में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप देखिए, आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहे तो आप देखिए और मुझे बताएं। सो आई विल रिपीट अगेन, देखिए आपने अपने मोबाइल पे स्क्रॉल किया है क्या? आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से देखिए, अभी तो बहुत सारे पॉइंट है इसमें, सिर्फ मैंने अभी 10 ही पॉइंट क्लियर किया है, आप देखिए जरा, और आपके पास जब बुक आएगा तभी आप देखेंगे कि बुक में कितना पॉइंट्स लिया है और मैडम ने कितना पॉइंट्स पढ़ा है। देखिए जरा मोबाइल पे स्क्रॉल कीजिए और देखिए कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है? पहले से देखिए, मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप भी देखिए कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। सभी को समझ में आ गया? हेलो, सभी को समझ में आ गया? मोबाइल के पास बैठे हैं, मोबाइल रख के कहीं पे घूम रहे हैं? नहीं मैम। ओके, ठीक है, ठीक है। यस मैम। ओके, वी शैल स्टॉप हियर, कल हम फिर से न्यू क्वेश्चन या आगे का जो क्वेश्चन है वो कैरी करेंगे, ठीक है, वी शैल स्टॉप हियर। Okay.